रामटेक पुलिस ने रात 1:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान हथियारों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 1.22 राइफल और एक तलवार समेत गाड़ी जब्त की। पुलिस अधीक्षक विजय मकर के आदेश पर ऑपरेशन और नाकाबंदी की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच 23 अक्टूबर की देर रात रामटेक पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी बीच एक फॉर्च्यून गाड़ी रामटेक की ओर आ रही थी, जिसे पुलिस ने रोका। गाड़ी में 6 लोग बैठे थे। उनके पास से पुलिस को तलवार, एक राइफल और 7 जिंदा कारतूस मिले। रामटेक बस स्टैंड पर देर रात एक 4 पहिया गाड़ी के व्यक्तित्व पर संदेह होने से उनके गाड़ी का पीछा कर सभी को हिरासत में लिया गया। साथ ही उनके पास से 1.22 राइफल, एक तलवार, रस्सी, मिर्ची पैकेट समेत गाड़ी जब्त की गई। ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी मुख्तार बागवान ने दी। गिरफ्तार 6 आरोपियों में 2 मध्य प्रदेश, 1 कामठी और 3 कन्हान के हैं। रात्री 23 वाजेपासून माननीय SP साहेबांच्या आदेशानुसार ऑल आउट ऑपरेशन आणि नाकाबंदीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। बस स्टॉप या ठिकाणी नाकाबंदी चालू असताना सुमारे 1:30 ते 2:15 वाजेच्या सुमारास एक फॉर्च्युनर ही संशयितरित्या जाताना आणि त्यामध्ये काही समय संशयित दिसून आले आणि त्यामुळे नाकाबंदीवर हजर असलेले जे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत यांना संशय आल्याने त्यांनी त्या वाहनाचा पाठलाग केला आणि ते वाहन डिटेन करून त्यातील संशयितांना ताब्यात घेतले। संशयितांना ताब्यात घेऊन वाहनाची झडती घेतली असता त्यांच्या ताब्यामध्ये एक रायफल, जिला इम्पोर्टेड दुर्बीन लागलेली होती, त्याचप्रमाणे 7 जिवंत काडतूसं आणि तलवार, रस्सी, मिरचीची पूड अशा बऱ्याच गोष्टी या संशयास्पदरित्या मिळून आल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। त्यांच्या विरोधात दरोड्याची तयारी हा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास रामटेक पोलीस करीत आहे। बद माननीय SP साहेब श्री विजय मगर साहेब यांनी पोलीस स्टेशनला भेट देऊन सर्वांचं अभिनंदन केलेलं आहे आणि त्यांना रोख बक्षीस त्यांना ऑलरेडी देण्यात आलेलं आहे।